जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है वो आपको ज्योग्राफी का एक टॉपिक है, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे कि आपको जो आज क्लास में टेस्ट हुई है 1 अगस्त 2023 को, जिसका टेस्ट कोड है ASCG 03, उसका हम लोग क्या करेंगे कि आपको एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना। और आप लोग इससे क्या करेंगे कि अपने आंसर को मिला लेंगे और आप अपना मूल्यांकन कर लीजिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही बनाए और कितने क्वेश्चन जो है वो आपको गलत बनाए। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अगर आपको क्या है कि ये जो टेस्ट कोड का क्वेश्चन जो है प्राप्त करना है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो है, ठीक है ना, वहाँ आप क्या करेंगे ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम जो है अनिल आर्ट्स क्लासेज सीतामढ़ी, सर्च करके आप वहां से जुड़ जाएंगे। नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सर मुझे लिंक चाहिए, वहां से हम आपको लिंक जो है प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए साथियों, आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के सेशन का जो मेरा पहला प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि बेला डीला लौह अयस्क क्षेत्र जो है किस राज्य में, साथियों यह जो है आपको छत्तीसगढ़ में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या है कि आपको सही आंसर है, ठीक है ना। तो देखिए, तो लौह अयस्क में जो प्रमुख लौह अयस्क है वो आपको हेमाटाइट है, मैग्नेटाइट है, लिमोनाइट है, ये सब जो है ना वो आपको प्रमुख जो है वो आपको लौह अयस्क है। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है, तो एक का सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए, तो मैं कह रहा है कि तारापुर नाभिक ऊर्जा केंद्र जो है कहाँ अवस्थित है। तो साथियों, तारापुर नाभिक ऊर्जा केंद्र जो है वो आपको महाराष्ट्र में क्या है कि आपको अवस्थित है। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। फिर यहाँ से पूछेंगे उत्तर प्रदेश में कौन है, तो देखिए उत्तर प्रदेश में जो है वो आपको नरोड़ा है, तो इन चीजों को देख लेना है। उसके बाद जो है कर्नाटक में कहेंगे तो वह आपको कैगा हो जाएगा। उसके बाद है आपको गुजरात में तो यह हो जाएगा आपको काकरापार। तो कभी कभी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि काकरापार जो है आपको नाभिकीय ऊर्जा केंद्र वो कहाँ है, तो क्या कहेंगे गुजरात में, ठीक है ना। उसके बाद पूछेंगे कि बताइए कैगा कहाँ है, तो कहेंगे कर्नाटक में। उसके बाद जो है आपको ये जो नरोड़ा है यह कहाँ है, तो यह आपको उत्तर प्रदेश में। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना, तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए, तीन में कह रहा है कि मोनाजाइट पाया जाता है कहाँ। तो सर, जो मोनाजाइट जो है क्या है कि आपको ये जो थोरियम धातु है उसका एक प्रमुख अयस्क है जो भारत में केरल के तटों पर क्या होते हैं कि आपको पाए जाते हैं। तो तीन का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ये हो जाएगा। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। मोनाजाइट जो किसका अयस्क है, तो आपको थोरियम का। थोरियम और यूरेनियम ये दोनों जो है वो आपको एक आण्विक खनिज है। कैसा खनिज है, आण्विक खनिज है। तो साथियों, इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है, तो तीन का सही आंसर ये हो जाएगा। चलिए, चार में कह रहा है कि उड़ीसा का सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क जो है वो कहाँ अवस्थित है, तो यह आपको भुवनेश्वर में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। बाकी इधर जो देख रहे हैं कटक, पुरी, ये सब जो है आपको ओडिशा में। और ये चिल्का जो है आपको एक झील है जो कि आपको खारे पानी की सबसे बड़ी क्या है कि आपको झील है। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है, तो चार का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। चलिए, पांच में सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है। तो साथियों, सोलापुर जो है ना वो आपको क्या है कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए क्या होता है कि आपको जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका वो आपको क्या हो जाएगा कि आपको सही हो जाएगा। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। सोलापुर है कहाँ, तो ये आपको महाराष्ट्र में, ठीक है ना। बाकी लौह इस्पात उद्योग के कारखाने के लिए देखेंगे तो आपको जमशेदपुर हो गया, राउरकेला हो गया, ठीक है ना, बोकारो हो गया, भिलाई हो गया। तो ये सब जो है आपको लौह इस्पात उद्योग का क्या है कि प्रमुख आपको केंद्र है। सीमेंट उद्योग में जाइएगा तो आपको साउथ इंडिया में आपको चेन्नई क्या है, चेन्नई। तो इन चीजों को देख लीजिएगा। एल्यूमिनियम से जुड़े हुए उद्योग की बात करते हैं तो ये सबसे ज्यादा आपको उड़ीसा में। लेकिन यहाँ पर हम जान लेते हैं कि पांच का सही आंसर क्या होगा सबसे पहले, तो आपको सी हो जाएगा। छह में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र जो है वो आपको स्थित है, दिया गया जो ऑप्शन है उसके हिसाब से। तो देखिए, इसमें आपको राजस्थान दिया हुआ है, बिहार दिया हुआ है, असम दिया हुआ है, तमिलनाडु दिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको असम हो जाएगा। और भारत में तेल का जो पहला कुआं खोदा गया था ना साथियों, वो आपको कहाँ खोदा गया था ना, तो असम घाटी में। तो छह का सही आंसर आपको सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना। चलिए, अब चलते हैं हम लोग सात नंबर प्रश्न में, क्या कह रहा है। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस शहर के निकट अवस्थित है। तो साथियों, ये जो रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र है ना, ये आपको कोटा शहर के निकट क्या है कि आपको अवस्थित है। और ये जो कोटा है यह है आपको कहा, तो यह आपको राजस्थान में है। तो इस चीज को बढ़िया से आप देख लीजिएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र है या राणा प्रताप सागर परमाणु ऊर्जा केंद्र, ये आपको है कहा, तो क्या कहेंगे राजस्थान में। सात का सही आंसर जो होगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आठ में कह रहा कि इन तेल शोधन शालाओं में कौन उत्तर भारत में नहीं है। तो साथियों, उत्तर भारत में कौन नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, तो उत्तर भारत में आपको चेन्नई जो होगा वो आपको नहीं होगा, क्योंकि चेन्नई जो है वो आपको कहाँ जानते हैं, तो वो आपको तमिलनाडु में, कहाँ है
तमिलनाडु में, बाकी इधर देखिएगा मथुरा या उत्तर प्रदेश में पानीपत, आपको हरियाणा में बरौनी, बिहार में, तो यह सब आपको उत्तर भारत का 1314 साल है, जबकि चेन्नई जो है दक्षिण भारत का यानी कि चेन्नई का है। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से आपको देख लेना कि ये चेन्नई का है, तो आपको याद रखना है तमिलनाडु में। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो आपको डी हो जाएगा। पानीपत पूछेंगे कहाँ है, हरियाणा में, याद रखिएगा। चलिए अब चलते हैं आगे, क्या है इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए खनन किस प्रकार का क्रियाकलाप है, तो खनन जो है वो आपको प्राथमिक क्रियाकलाप होता है। नौ का सही आंसर आपको ये हो जाएगा, तो खनन की कृषि से संबंधित क्रियाकलाप को प्राथमिक क्रिया कहते हैं। इसमें जो है ना कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, ठीक ना, इसके अलावे आपको क्या कह सकते हैं, जानते हैं कि खनन, वनोपज, वानिकी, ये सारे चीज जो है वो आपको आते हैं। तो नौ का सही आंसर ये हो जाएगा। चलिए तो उसमें क्या कह रहा है, मैं सावी श्रेणी का संबंध किससे है, तो ये आपको लॉ एस्ट से, किससे है, लॉ एस्ट से। तो 10 का सही आंसर आपको ये हो जाएगा। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। अब चलते हैं 11 में, 11 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है दुर्ग लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र जो क्या है, तो दुर्ग जो लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है वो आपको छत्तीसगढ़ में, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या हो जाएगा कि आपको सही हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जो छत्तीसगढ़ है ये मध्य प्रदेश से ही अलग होकर बना था, इसको आप याद रखिएगा। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र क्या है, तो साथियों अंकलेश्वर तेल क्षेत्र जो है वो आपको गुजरात में, तो 12 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। तो इन चीजों को आपको अच्छे से देख लेना, और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है कमेंट करके जरूर बताओगे। चलिए चलते हैं 13 में, क्या निम्नलिखित में से कौन पश्चिम भारत की नदी बेसिन है, तो देखिए पश्चिम भारत की जो नदी बेसिन है उसमें आपको माही है, कौन है, माही है। तो देखिए तो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। बाकी इधर जो देख रहे हैं सभी जो है आपको क्या है, पूर्व की ओर बहने वाली जो नदियां है वो है, आप पश्चिम की ओर बहने वाली नदी में आपको क्या है कि माही जो है आपको दिए गए ऑप्शन में प्रमुख है, इसलिए इसका आंसर जो जाएगा सही वो आपको ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो साथियों 11वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वो आपको कितनी अवधि थी, 2007 से 2012, और इसी में कुछ नहीं कि बताइए कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो 2012 से 2017। उसके बाद आएगा आपको क्या, जानते हैं कि 10वीं पंचवर्षीय योजना जो थी उसकी अवधि क्या थी, तो साथियों 10वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वो आपको 2002 से 2007, और ये जो है आपको 9वीं पंचवर्षीय योजना की क्या है, अवधि है कितना, 1997 से 2002। तो इन चीजों को देख लीजिएगा, और पंचवर्षीय योजना भारत में पहले कौन बनाती थी, तो आपको योजना आयोग जो है वो आपको बनाती थी, लेकिन लास्ट पंचवर्षीय योजना जो है वो आपको 2017 में जब से समाप्त हुई 12वीं, तब से अब तक एक भी पंचवर्षीय योजना जो है आपको उसके बाद नहीं बनी है, क्योंकि पंचवर्षीय योजना बनाने वाली जो संस्था है योजना आयोग उसका स्थान जो है वो आपको नीति आयोग जो है वो आपको ले चुका है, और वो अपने हिसाब से क्या है आपको खड़े करता है। इसका सही आंसर आपको सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है, तो देखिए तो गंगा नदी की जल उपयोगिता जो है सबसे क्या है कि आपको अधिक है, ठीक है ना। और गंगा का जो मुहाना है वो आपको बंगाल की खाड़ी में, कृष्णा का भी मुहाना जो है बंगाल की खाड़ी में, ब्रह्मपुत्र का भी मुहाना जो है बंगाल की खाड़ी में, गोदावरी का भी बंगाल की खाड़ी में, तो गोदावरी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, याद रखिएगा। भारत की सबसे चौड़ी नदी कहेंगे तो वो आपको ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, तो 15 का सही आंसर हो जाएगा साथियों वो आपको बी हो जाएगा। चलिए 16 में, भाखड़ा नंगल परियोजना जो है वो आपको अवस्थित है किस नदी पर, तो देखिए भाखड़ा नंगल परियोजना जो है वो आपको सतलज नदी पर क्या है कि आपको अवस्थित है, ठीक है ना। और भाखड़ा नंगल परियोजना जो है आपको गुरुत्वीय क्षेत्र में बना हुआ क्या है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अगर वैसे सीधे पूछेंगे कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है, तो आप कहोगे क्या जानते हैं टिहरी बांध, लेकिन गुरुत्वीय क्षेत्र में, ठीक है ना, या सीधे पूछा जाएगा कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध जो है कौन है, तब आप कहिएगा भाखड़ा नंगल, और सीधे पूछेंगे सबसे आपको ऊंचा बांध, तब आप कहोगे क्या टिहरी बांध, ठीक है ना। तीन चीजों को याद रखना है, तो 16 का सही आंसर आपको ये हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, कह रहा कि गोदावरी बेसिन क्या है, तो साथियों गोदावरी बेसिन जो है वो आपको दक्षिण भारत में, और ये जो गोदावरी नदी है दक्षिण भारत की क्या है कि आपको सबसे लंबी नदी, इसे हम लोग वृद्ध गंगा के नाम से भी क्या कहते हैं कि आपको जानते हैं, तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है, तो 17 का सही आंसर भी हो जाएगा। चलिए 18 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित राज्यों में से किस में नरोरा नाम के ऊर्जा केंद्र, तो साथियों नरोरा जो है वो आपको उत्तर प्रदेश में, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। बाकी कगरा पर कहेंगे गुजरात में, तारापुर महाराष्ट्र में, कैगा कहेंगे आपको कर्नाटक में, तो इस सभी बातों को आपको अच्छे से याद रखना है। 18 का सही आंसर ये हो जाएगा। 19 में कह रहा है कि बाबा बुदन पहाड़ी कहाँ स्थित है, साथियों बाबा बुदन पहाड़ी जो है वो आपको कर्नाटक में क्या है कि आपको स्थित है, और यह लॉ एस के लिए क्या है कि आपको जाना जाता है, तो 19 का सही आंसर ये हो जाएगा। चलिए 20 में, निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन है, तो साथियों वह है आपको इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसे हम पहले राजस्थान नहर के नाम से भी जानते थे, जो आपको हर के बैराज से अपने लिए आवश्यक पानी जो है वो आपको लेती है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं,
सिंगरेनी किस के लिए प्रसिद्ध है? साथियों सिंगरेनी जो है वो आपको कोयला के लिए क्या है कि आपको प्रसिद्ध है, पर ये जो सिंगरेनी है साथियों वो आपको कहाँ है तो याद रखना कि सिंगरेनी जो है वो आपको तेलंगाना में, कहाँ है? तेलंगाना में। इसमें सिंगरौली पूछेंगे तो वो आपको मध्य प्रदेश में, देखिए सिंगरेनी है तो ये आपको तेलंगाना में, जो कि आपको कोयला के लिए क्या है कि आपको जाना जाता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे, भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? तो साथियों भारत में सर्वाधिक सोना जो है ना वो आपको कर्नाटक में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका वो क्या हो जाएगा कि आपको सही हो जाएगा, ठीक है ना? यानी कि कर्नाटक का जो कोलार है इसीलिए जाना जाता है, और इसी कर्नाटक के कोलार पर आपको क्या हुआ था कि आपको एक मूवी बना था KGF, क्या है? KGF यानी कि कोलार गोल्ड फील्ड जो है, ठीक है ना, KGF जिसको आप लोग जानते हैं रॉकी भाई वाला फिल्म, वो आपको इसी कोलार जो मतलब सोना का क्षेत्र उसी पर बना था, तो 22 का सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए 23 में, किस राज्य में गोंडवाना कोयला पाया जाता है? तो साथियों गोंडवाना कोयला का जो सबसे बड़ा आपको क्षेत्र है वो आपको कौन है? तो आपको झारखंड है। तो 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 24 में, और आप लोगों को कैसा लग रहा है क्लास अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है ना? देखिए क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन एक तेल शोधन कारखाना है? तो साथियों बरौनी जो है वो आपको एक तेल शोधन जो है वो आपको कारखाना है, जो कि आपको बिहार में, जो 1964 में सोवियत संघ के सहयोग से क्या हुआ था कि आपको स्थापित हुआ था। तो 24 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। चलिए 25 में चलते हैं, निम्नलिखित में कोयला खदानों में से कौन झारखंड में नहीं है? तो देखिए कह रहा है बोकारो, सिंगरौली, गिरिडीह, झरिया, जो देख रहे हैं बोकारो, गिरिडीह, झरिया, ये सब जो है आपको क्या है जानते हैं झारखंड में, तो झारखंड में आपको सिंगरौली नहीं होगा, क्योंकि सिंगरौली जो है ना वो आपको मध्य प्रदेश में, तो इसका सही आंसर जो जाएगा भाई वो क्या हो जाएगा तो आपको बी हो जाएगा, तो इसको आपको बढ़िया से देख लेना। चलिए अब चलते हैं 26 में, कह रहा है इनमें से कौन राज्य कोयले का अधिक उत्पादक है? तो कोयले का यहाँ दिए गए ऑप्शन के हिसाब से जो सबसे ज्यादा उत्पादन करता है वो आपको झारखंड, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगर झारखंड ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आप छत्तीसगढ़ मानोगे, क्योंकि अभी जो है वर्तमान में छत्तीसगढ़ जो है वो कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो आपको हो चुका है, लेकिन ये तो ऑप्शन में है नहीं, इसलिए पुराने डाटा के हिसाब से ही झारखंड को देखेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। चलिए 27 में, निम्नलिखित में से कौन आधात्रिक खनिज के प्रकार है? तो साथियों आधात्रिक खनिज में आइएगा तो आपको अमृत जो है वो क्या है तो आपको आधात्रिक खनिज है, बाकी आपको सोना हो गया, तांबा हो गया, चांदी हो गया, ये सब जो है ना वो आपको धात्विक खनिज है। कैसा खनिज है? धात्विक खनिज। तो 27 का जो सही आंसर हो जाएगा साथियों वो आपको सी हो जाएगा। चलिए 28 में, निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह अयस्क नहीं है? कह रहा है एंथ्रासाइट, लिमोनाइट, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट। तो देखिए तो लौह अयस्क की बात आएगा तो एंथ्रासाइट नहीं होगा, क्योंकि एंथ्रासाइट जो है वो आपको कोयला का क्या प्रकार है, जैसे देखिए एंथ्रासाइट रहे, ठीक है ना, बिटुमिनस रहे, क्या रहे, बिटुमिनस रहे, ठीक है ना, इसके अलावा आपको लिग्नाइट रहे, पीट रहे, तो ये सब आपको कोयला का प्रकार है, जबकि हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट ये सब जो है आपको लौह अयस्क है, तो इसका सही आंसर जो जाएगा ना वो आपको ए हो जाएगा। चलिए 29 में, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का है और नवीकरणीय स्रोत है? तो साथियों ऊर्जा का और नवीकरणीय स्रोत जो है वो आपको तापीय ऊर्जा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। देखिए और नवीकरणीय कहने का मतलब क्या हुआ कि जिसका जो भंडार है वो एक निश्चित हो, वो एक निश्चित समय अवधि में क्या हो जाए कि आपको समाप्त हो जाए, तो उसको कहते हैं आपको और नवीकरणीय स्रोत। बाकी इधर जो देख रहे हैं पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सब जो है आपको ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, तो इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना? अर्थात कहने का मतलब है कि इसके उत्पादन को जो है हमेशा किया जा सकता है, ठीक है ना? 29 का सही आंसर जो है वो आपको ये हो जाएगा। 30 में, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? तो साथियों भूरा हीरा के नाम से जो है वो आपको लिग्नाइट जो है इसे जाना जाता है, ठीक है ना? और लिग्नाइट क्या है तो कोयला का एक आपको प्रमुख जो है क्या है कि आपको किस्म है, ठीक है ना? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है 31, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो साथियों कोयला का जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो आपको चीन है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है ना? और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही जरूर बताइएगा। आगे कह रहा है क्या, रत्नागिरी किस राज्य का खनिज क्षेत्र है? तो साथियों रत्नागिरी जो है ना वो आपको महाराष्ट्र राज्य का एक प्रमुख खनिज क्षेत्र है, तो 32 का सही आंसर आपको क्या हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए 33 में, कोरबा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों कोरबा जो है वो आपको कोयला के लिए क्या है कि आपको प्रसिद्ध है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। कोरबा है कहाँ तो आपको छत्तीसगढ़ में, क्या है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना? तो इस बात को आपको बढ़िया से याद रखना है। चलिए अब हम यहाँ से आगे चलते हैं, 34 नंबर क्या कह रहा है, इनमें से कहाँ भूरा कोयला लिग्नाइट मिलता है? तो देखिए तो लिग्नाइट जो मिलता है वो आपको झारखंड में, तो ऑप्शन नंबर जो है वो आपको सी जो है वो क्या हो जाएगा कि आपको सही हो जाएगा, ठीक है ना? इस चीज को बढ़िया से आपको देख लेना है, ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं,
नॉर्मंडी लॉ क्षेत्र जो क्या है, तो देखिए नॉर्मंडी लॉ क्षेत्र जो है वो आपको झारखंड में, तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है सही है। देखिए झारखंड जो है ना वो आपको क्या है कि लॉ एस के उत्पादन में जो है वो आपको काफी ज्यादा क्या है कि आपको आगे है, ठीक है ना। इसके अलावा आपको खनिज संपदा की दृष्टि से समझिए कि झारखंड क्या जो है बल्ले बल्ले है भाई, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित राज्यों में से किस में कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? तो देखिए कैगा जो है वो आपको कर्नाटक में है, कैगा पर गुजरात में, ठीक है ना। नरोदा कहेंगे तो वो आपको कहाँ हो जाएगा, कहते हैं तो वो आपको उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। तारापुर कहेंगे तो महाराष्ट्र में। इस सब बात को आपको अच्छे से याद रखना है, एक बार और याद रखिएगा। नरोड़ा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में क्या है कि आपको स्थित है, कैगा कहेंगे वही पूछा जा रहा है तो आपको कर्नाटक में। तारापुर कहेंगे तो ये आपको महाराष्ट्र में, ठीक है ना। काकरापार कहेंगे या देखिएगा तो ये आपको गुजरात में। तो इन सभी चीजों को अच्छे से देख लेना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है सही है। चलिए 36 में किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? और साथियों दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर कहा जाता है ना वो आपको किसको कहा जाता है, जानते हैं? तो आपको अहमदाबाद को। तो 37 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहेंगे वो हो जाएगा आपको कानपुर को। किसको हो जाएगा? कानपुर को, ठीक है ना। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहेंगे, ओ सॉरी, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर नहीं कह रहा है, तो यहाँ पर इसको सुधारिए, ठीक है ना, गलती हो गया, ठीक है। देखें यहाँ सुनिए, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहेंगे तो आपको कोयम्बटूर को, ठीक है ना। और सीधे पूछेंगे भारत का मैनचेस्टर, क्या कहेंगे? भारत का मैन चेस्टर। साथियों भारत का जो मैनचेस्टर कहेंगे ना वो आपको किस को जानते हैं? वो आपको अहमदाबाद को। दक्षिण भारत का कोयम्बटूर को। उत्तर भारत के कहेंगे तो हो जाएगा आपको कानपुर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। देख लीजिएगा 37 का 38 में मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ है? तो आपको चंडीगढ़ में। 38 का सही आंसर आपको ये हो जाएगा। चलिए आगे क्या डिगबोई कहाँ है? सचो डिगबोई जो है वो आपको असम में, और यहीं पर पहला तेल शोधन का खाना जो है वो आपको 1901 में क्या हुआ था, क्या तो स्थापित हुआ था। तो 39 का सही आंसर भी हो जाएगा। चलिए 40 में बालाघाट मैग्नी क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो साथियों बालाघाट मैग्नी क्षेत्र जो है ना वो आपको मध्य प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या हो जाएगा कि आपको सही हो जाएगा 40 का। चलिए 41 में निम्नलिखित में से कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो देखिए तो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में पेट्रोलियम होगा, प्राकृतिक गैस होगा, कोयला होगा, यानी कि ऑल ओवर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर जो ठीक है या इसका क्या हो जाएगा कि आपको सही हो जाएगा। तो इस बात को आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। और आप लोगों को कैसी लग रही है क्लास अपना फीडबैक जरूर देंगे। चलिए 42 में भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की गई थी? तो साथियों यह आपको तारापुर में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा कि आपको सही हो जाएगा। और तारापुर जो है भारत का पहला क्या है कि नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है, इस बात को याद रखना। क्या हो गया कर्नाटक में, नरोदा जो हो गया आपको कहाँ जाते हैं उत्तर प्रदेश में, कल्पकम हो गया तमिलनाडु में। तो इन चीजों को बढ़िया से आपको देख लेना। चलिए 43 में हीराकुंड परियोजना अवस्थित है किसमें? तो देखिए तो आपको ओडिशा में क्या है, ओडिशा में महानदी पर। और यह भारत का क्या है कि सबसे लंबा बांध जो है वो आपको कौन है? हीराकुंड है, ठीक है ना, जो कि आपको महानदी पर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है ओडिशा। चलिए आगे किस स्थान का लोहा इस्पात कारखाना बाबा बुदन पहाड़ी से लॉ एस प्राप्त करता है? तो यह है आपको भद्रावती। कर्नाटक का जो आपको लॉ इस्पात कारखाना है वो आपको बाबा बुदन की पहाड़ी से लॉ एस को क्या करता है कि आपको प्राप्त करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। बाबा बुदन की पहाड़ी है क्या, तो आपको कर्नाटक में। चलिए 45 में भिलाई स्टील संयंत्र कोयला प्राप्त करता किससे? तो देखिए तो भिलाई स्टील संयंत्र जो ऐसा थो वो जो कोयला प्राप्त करता है कोरबा से। कोरबा कहने का होगा क्या हुआ, छत्तीसगढ़ से। कहा से? छत्तीसगढ़ से, ठीक है ना। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो ये जो देख रहे हैं 45, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो आपको डी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं 46, क्या कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक चीनी उत्पादन किस राज्य में होता है? तो देखिए तो ये आपको महाराष्ट्र में होता है, जबकि गन्ना का उत्पादन सबसे ज्यादा कहेंगे तो उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखिए सलेम संबंधित है किससे? तो छात्र सलेम जो है लौह इस्पात उत्पादन से क्या है कि संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। सलेम लौह इस्पात केंद्र है का, तो यह आपको जो है साथियों वो आपको कहा जाते हैं, तो यह जो है वो आपको तमिलनाडु में। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो 47 का सही आंसर ए हो जाएगा। 48 में विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में? तो साथियों विजयनगर इस्पात केंद्र जो है ना वो आपको कर्नाटक में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए और विजयनगर जो है यहाँ से एक चीज और याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य उसी से यह संबंधित है, विजयनगर कर्नाटक वाले, ठीक ना। चलिए 49, निम्नलिखित में से कौन सी चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? तो दूसरा सबसे बड़ा चीनी का उत्पादक जो है वो आपको उत्तर प्रदेश, जबकि गन्ना का ये सबसे बड़ा क्या है कि आपको उत्पादक है। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना। चलिए अब चलते हैं 50 में, क्या कह रहा है कि भारत में पहले स्थापित की गई लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है?
हुआ है आपको टाटा लॉ इस्पात कंपनी, ठीक है ना, या इसी को कहते हैं टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कि आपको 1907 में जमशेद जी टाटा के द्वारा क्या हुआ था कि आपको स्थापित हुआ था, ठीक है ना। इसका जो ऑप्शन नंबर बी है 50 का वो सही हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से आप लोग अपने आंसर का मूल्यांकन कर लेंगे, जहां भी दिक्कत होगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे, ठीक है ना। तो चलिए साथियों, आज के सेशन को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलेंगे आपसे कल एक बेहतर क्लास के साथ। जब तक के लिए आप सभी साथियों से सुविधा, टेक केयर, ऑल ऑफ यू।